नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पनीर पकोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि पनीर पकोड़े तो हम भी बनाते हैं, तो जी बिल्कुल बनाते होंगे, लेकिन 90% लोग जो है ना पनीर पकोड़े को इस तरीके से नहीं बनाते हैं। जो तरीका मैं आपको आज बता रही हूँ ना दोस्तों, शायद ही आपने पहले कभी इसको देखा होगा, किसी ने नहीं बताया होगा ये आपको। और इस तरीके से अगर आप पकोड़े बनाते हो तो सच मानिए पकोड़े एकदम ही लजीज और स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे, शायद आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं पनीर पकोड़ा बनाने की रेसिपी। पनीर के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पनीर चाहिए होगा दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर के जो स्लाइस हैं आप अपनी पसंद के अनुसार कट कर ले, लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए थोड़े से लंबे स्लाइस इसके कट करने वाली हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसके स्लाइस कट कर लें। और एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना पनीर पकोड़ा, आपको बेहद पसंद आएगा। आप कोई नहीं, ये जो भी खाएगा ना सभी को बेहद पसंद आने वाला है, इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पे हमने पनीर को कुछ इस तरह के स्लाइस में कट किया है। अब ये जो स्लाइस है ना पूरे हम इस तरीके से पूरी प्लेट के अंदर फैला लेंगे। तो यहाँ पे एक नींबू का जो है बीज निकल कर आया है दोस्तों, पनीर बनाया होगा तो इसमें नींबू का रस डाला होगा, उसमें ये आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने स्लाइस को प्लेट के अंदर इस तरीके से खोल कर रख लिया है। अब जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, शायद ही आपने पहले कभी इस ट्रिक को देखा होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नींबू ले लेना है दोस्तों। अगर आपके पकौड़े कम हैं तो आधे नींबू में काम हो जाएगा, और ज़्यादा बना रहे हैं तो आप एक नींबू ले लें। तो यहाँ पर हम जो है केवल आधा नींबू ही लेंगे, कट करके ले लेते हैं। और जो नींबू का रस है ना वो हमें यहाँ पे पनीर के स्लाइस पे लगाना होगा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना, पनीर के दोनों साइड चारों साइड आप अच्छे से यहाँ पे इसका रस लगा लें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर। इकट्ठा हम इसलिए डालकर इसको नहीं ला रहे जिससे कि पनीर के पीस जो है टूट जाएंगे, इसलिए हम थोड़े पकौड़े हैं तो इस तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बनाने हैं तो आप वैसे भी नींबू का रस डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नींबू के रस को स्लाइस के ऊपर बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ। अब अगली सामग्री हमें क्या लेनी है जो आपके पनीर के पकोड़े को बिल्कुल चार चांद लगा दे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। ये तीखी लाल मिर्ची पाउडर है। पाउडर यहाँ पे आपको एक स्लाइस पे 1 से 1.5 पिंच पाउडर लगाना है, बस ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि जो पनीर के स्लाइस है ये खाते समय आपको फीके फीके नहीं लगेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा जब आप पकौड़े खाएंगे। तो मिर्ची के साथ ही थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर से हम इसी तरीके से लगा देंगे। और ये लगाने के बाद में अब इसको हमें 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है। 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट होकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पकोड़े बनाएंगे ना तो सच मानिए जैसे हलवाई के आपके पकोड़े खाते हैं ना, वो भी इसके आगे आपको फीके लगेंगे। अब अगली सामग्री हम क्या लेंगे, यहाँ पर 100 ग्राम बेसन ले लेंगे इसके कवर के लिए। और इसमें हम डाल लेंगे 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर, साथ में आधा चम्मच गरम मसाला। इन मसालों के साथ में आप इसको बैटर तैयार करके बना सकते हो, लेकिन इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है यहाँ पे दोस्तों, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे खड़ा जीरा लेंगे। यहाँ पे जीरा पाउडर की बजाय आप खड़ा जीरा जो होता है उसको कूट कर इस्तेमाल करें, तो इसका फ्लेवर ज़्यादा उभर कर आता है। इसी के साथ में 1 चम्मच ले लेंगे खड़ा धनिया। बस यहाँ पे दो ही मसाले आपको लगेंगे, बस इसको आपको दरदरासा कूट कर लेना है। कूटने के लिए साधन नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर जार में दरदरासा पीस कर ले लें, और इसको यहाँ पे सेकने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपको इसको दरदरासा पीस कर ले लेना है। जब ये इस तरह का आपको नज़र आएगा ना, उसके बाद में आप इसमें डाल लें 5-6 लहसुन की कलियाँ। अगर आप खाते हैं तो डाल लें, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। और इसको भी इसके अंदर ही हम कूट लेंगे। सच मानिए ये जो पकोड़े बनने वाले हैं ना इतने लाजवाब बनने वाले हैं कि आप बनाते बनाते ही आपका मन हो जाएगा इनको खाने का। अब ये कुटा हुआ मसाला भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और पनीर पकोड़े बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जब तक पनीर मैरिनेट होगा ना तब तक आप ये तैयार करेंगे इसका बैटर, और तुरंत ही आप इसको बना लेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं करना है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब मैंने इसमें ऊपर से 2-3 छोटे चम्मच दही डाल ली है। यहाँ पर दही डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है आपको चेक करके मैं बता दूंगी ये किस तरह का होना चाहिए। तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि बेसन का घोल बनाते समय पानी कम ही लगता है। तो यहाँ पर हमने पानी डालकर इसको गाढ़ा सा घोल लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप चाहें तो इसे 2-3 मिनट फेंट सकते हो। अगर आपके पास 2-3 मिनट का टाइम नहीं है फेंटने के लिए
तो आप इस बेसन के अंदर सिर्फ एक पिंच यहाँ पे जो बेकिंग सोडा होता है ना खाने वाला सोडा, वो ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिला लें यहाँ पे। तो आपकी जो दो मिनट की फेंटने की मेहनत है ना वो बच जाएगी। और अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बिना इसके बनाना है, तो आप इस बैटर को एक दो मिनट के लिए लगातार फेंट लें, बस आपका बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये पनीर के पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पकौड़े को बिल्कुल अच्छी सी शेप देने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप जो टूथपिक होती है वो ले लें, या फिर जिससे आप पनीर टिक्का बनाते हैं उसकी स्टिक ले लें, और आप इस तरीके से स्लाइस तैयार कर ले। तो यहाँ पे चार स्टिक लेकर आप पूरे पकोड़े बना सकते हो। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उनको निकाल लेंगे। तो अब आपको मैं बैटर तैयार करके दिखा देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे बैटर जो है गाढ़ा है, इसको चेक कैसे करेंगे, एक जो स्लाइस है इस तरीके से इसके ऊपर से हम कोटिंग करके देखेंगे बिल्कुल अच्छे से हो रही है, या फिर ज़्यादा मोटी कोटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर इसके ऊपर बेसन रुक नहीं रहा है। तो आप ऐसे गाढ़ा बेसन गोल कर चेक कर ले। तो यहाँ पे बेसन जो है मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें पानी कितना डालना है, सिर्फ जो चम्मच है ना इसके अंदर एक से दो चम्मच ही पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं पनीर को फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ, फिर मैं इसके अंदर पानी डालकर इसका बैटर तैयार करके और फिर दूसरी हम यहाँ पर इसके अंदर पनीर पकौड़ा डाल देंगे। तो पहले वाला जो पकौड़ा है वो गाढ़े बेसन का है, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो कोटिंग आई है वो बड़ी मोटी सी आई है। तो इस तरह की कोटिंग ना करें, इससे शेप भी ख़राब हो जाएगी। आप इस तरीके से हल्का सा बैटर को पतला कर लें और फिर आप इसको इस तरीके से सेकिए। जैसे ही आप इसके अंदर पनीर पकौड़ा डालेंगे ना, इसके ऊपर से गरम गरम ऑयल डाल दें। ऐसा करने से पकौड़े की जो शेप है वो अच्छी बनी रहेगी और ये सीकेंगे भी अच्छे से। जैसे ही सीख जाएगा इसको हम पलट देंगे। ऐसे ही पलट पलट कर आप अपनी पसंद के अनुसार इसको सेक सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो पकौड़ा सीख गया है उसको निकाल लेती हूँ और दूसरा पकौड़ा सीखेगा इसको साइड में कर देंगे हम, और यहाँ पे और पकोड़े सीखने के लिए डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे पकोड़े सेक कर लेने हैं। अब जब ये पकोड़े सीख जाएंगे और आपके पास जो बैटर है वो बच जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो बैटर है उसके अंदर आप क्या करें, थोड़ा सा जैसे प्याज है आपके घर पे, प्याज के पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं, प्याज कट करके डाल लें उसके अंदर, आलू कट करके डाल लें पतले पतले स्लाइस, या फिर हरी मिर्ची कट करके डाल लें, और बचे हुए बैटर के भी आप यहाँ पर पकौड़े बना सकते हो। पनीर के जो पकोड़े हैं इनको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी सीखकर तैयार हो जाते हैं। तकरीबन इसको सेकने में 2 से 2.5 मिनट का टाइम ही लगता है, क्योंकि इसके ऊपर बेसन की कोटिंग रहती है, इसी को हमें सेकना होता है। और अगर आप ज़्यादा पकोड़े एक साथ सेकना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप पनीर के स्लाइस कट करके और इसके अंदर स्टिक से डालिए, तो पकौड़े की शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ढेर सारे पकौड़े आप कढ़ाई के अंदर डालकर सेक सकते हो। और अगर आपको थोड़े से अच्छे दिखने में भी अच्छे होने चाहिए खाने के साथ साथ, तो आप उस तरीके से बना सकते हो। बचे हुए बैटर में मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची कट करके डाल ली है। अब इसके पकोड़े भी हम तेल के अंदर इस तरीके से तार देंगे। दोनों ही पकोड़े खाने में लाजवाब लगते हैं और बचे हुए बैटर का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरे पकौड़े हमारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, प्याज वाले भी और पनीर वाले भी। तो इस तरीके से बने हैं पकोड़े, अब आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ। सच मानिए दोस्तों, खाने में बेहद ही टेस्टी बने हैं ये पकोड़े और आपको देखकर भी अच्छा लग रहा होगा। अगर मेहमानों के सामने आप इस तरीके से कुछ भी यूनिक या फिर थोड़ा सा अलग बनाकर रखते हैं, तो उनके साथ साथ अपने को भी देखने में अच्छा लगता है। कट करके देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से सीखे हैं, अच्छे से फूले हैं और खाने में तो एकदम लाजवाब हैं ही। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।